है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, जिंदगी में भागदौड़ तो बहुत है, टेंशन भी बहुत है, काम का प्रेशर तो है ही। ऐसे में थोड़ा समय आप निकालें अपने लिए, इधर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और सोलो ही क्यों ना। अगर आपके शहर में ट्रैफिक जैम है, बिल्डिंग्स और पोल्यूशन है बट नो ग्रीनरी, तो आप भीड़भाड़ से ज़रा बाहर निकलें और प्रोग्राम बना लें गोवा घूमने का। बिलीव मी, आप एकदम रिजुविनेट फील करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको साउथ गोवा में स्टे का एक बेस्ट ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है बीचों बीच जंगल के अगोंदा बीच से जस्ट 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर। ये सामने है रिसेप्शन, रिसेप्शन के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड बैठने के लिए सोफा लगे हैं। रिसेप्शन से थोड़ा आगे चलकर ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने छोटा सा फाउंटेन बना रखा है। चलिए नीचे चलते। ये सामने देख रहे हैं वाटरफॉल, जो कि इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, और इस वाटरफॉल से पानी गिरने की जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही सूदिंग लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ विला कोकोनट। ये है लिविंग एरिया और यहाँ सोफा रखा हुआ है। आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, आपके लिए कॉर्नर में यहाँ फ्रिज रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ड्रिंक्स भी रखे हुए हैं। यह है टी शेल्फ, आप यहाँ चाय या कॉफी बना सकते हैं। लिविंग एरिया के साइड में 6 चेयर्स डाइनिंग टेबल रखी हुई है। स्विमिंग पूल, यहाँ से सामने ग्रीनरी और पहाड़ देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। किंग साइज डबल बेड और आगे रखी है बैठने के लिए शेटी।
ऊपर लगा है खूबसूरत सा शैंडलियर। मैं दिखाता हूँ आपको वॉशरूम, आप देख सकते हैं सामने टंगे हैं बाथरूम्स और यह ग्लास सेपरेटेड बाथिंग एरिया है। इधर काउंटर टॉप पर लगा है डिजाइनर वॉश बेसिन और ऊपर लगा है मिरर। रूम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्पेशियस है। रूम के अंदर लगे हैं दो एसी और दो वुडन वार्डरोब्स भी रखी हुई हैं। रूम के सामने है आपका प्राइवेट जकूजी एरिया। चारों तरफ से ग्लास कवर्ड है और ग्लास पर टिंटेड फिल्म लगी हुई है और सामने दिखाई देगी जबरदस्त ग्रीनरी और पहाड़ यहाँ से भी। यहाँ पर भी लगा है एसी और जकूजी के लेफ्ट हैंड साइड में ओपन बालकनी। आइए चलते हैं कैशोनेट विला के अंदर। विला में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लिविंग एरिया मिलता है। यहाँ रखी है 6 सीटर डाइनिंग टेबल और सामने वॉल पर माउंट है एंड्रॉयड टीवी। नीचे वॉल माउंट शेल्फ पर टी काउंटर बना है। लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने है आपका पर्सनल स्विमिंग पूल क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ। स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने लगे हैं दो डे बेड्स। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे विला नंबर 4 के और मैं आपको डबल रूम्स दिखाता हूँ। रूम नंबर 1 है ये और बेशक ये काफी स्पेशियस है। रूम के अंदर 3 सीटर सोफा रखा हुआ है, फुल किंग साइज बेड है आप देख सकते हैं, किंग साइज डबल बेड और आगे रखी है बैठने के लिए शेटी। ऊपर लगा है खूबसूरत सा शैंडलियर। आइए अब मैं आपको अटैच्ड वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में भी अच्छी स्पेस है और यह ग्लास सेपरेटेड बाथिंग एरिया है। डिजाइनर वॉश बेसिन के साथ डिजाइनर मिरर लगा हुआ है। और ये है हेयर ड्रायर। ये है रूम के अंदर वुडन अलमीरा। रूम के सामने है आपका प्राइवेट जकूजी एरिया। चारों तरफ से ग्लास कवर्ड है और ग्लास पर टिंटेड फिल्म लगी हुई है और सामने दिखाई देगी जबरदस्त ग्रीनरी और पहाड़ यहाँ से भी। यहाँ पर भी लगा है एसी और जकूजी के लेफ्ट हैंड साइड में ओपन बालकनी। मैं आपको सेकंड रूम दिखाता हूं। एंटर करते ही सबसे पहले सामने दिखेगी वुडन अलमीरा। यहां पर भी है किंग साइज डबल बेड। रूम में एसी लगा है। आपको बालकनी से नज़ारा दिखाता हूँ। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसी समय बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। आप देखिए बारिश के समय का नज़ारा कैसा दिखता है और बारिश की आवाज़ नज़ारे की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। बालकनी से नीचे दिखाई देता है स्विमिंग पूल और इस समय
बारिश की बूंदें गिर रही हैं स्विमिंग पूल के अंदर। आइए अब मैं आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर देखने से आपको पता लग जाता है कि जिस जगह आप स्टे करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो कैसे दिखती है। नीट एंड क्लीन एरिया, हर चीज बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखी है। आप देख रहे हैं इस समय एरियल व्यू, लश ग्रीन एरिया सामने दिखाई दे रहा है, अगोंदा बीच।